10 में से हम हेमंत कुर्सी को 7 नंबर देंगे। जय श्री राम। हेमंत गोडसे दोबारा इधर चुन के आए। नासिक की हिस्ट्री है, इतिहास है कि एक बार चुन के आने वाला सांसद दोबारा नहीं आता है। जैसे मंदिरों की सिक्योरिटी हुआ, पानी का सवाल हुआ, ये पैसेंजर आता है यहाँ पे, दिक्कत आता है थोड़ा। भारत 24 के खास कार्यक्रम सांसद पास या फेल में आज हम उपस्थित है नासिक शहर में, जहां के सांसद है शिवसेना के हेमंत गोडसे, जो लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं। ऐसे में अगर उन्हें टिकट मिलता है तो वह तीसरी बार सांसद बन सकते हैं। तो यह तस्वीरें आप देखिए, नासिक की बेहद ऐतिहासिक तस्वीर, जहाँ श्री कालाराम मंदिर संस्थान के बाहर हम खड़े हैं और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी बिगुल बजाकर महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव का आगाज किया था। और नासिक शहर में उपस्थित है, नासिक शहर की यह इतिहास रहा है कि यहाँ एक बार जिसे यहाँ की जनता सांसद बनाती है उसे दोबारा सांसद नहीं बनाती। लेकिन इस इतिहास के पीछे भी एक कड़ी है कि इस बार हेमंत गोडसे को भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर उन्हें सांसद बनाया है। और इस वक्त हेमंत गोडसे शिवसेना एक नाथ शिंदे गुट से है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जिन्हें समर्थन देती है वह उस गुट से है। हालांकि अब तक सीट का जो है बंटवारा यहां नहीं हुआ है, यानी कि किसी को उम्मीदवारी नहीं दी गई है, लेकिन यहां की जनता यह तय करेगी कि इस बार किसे टिकट दिया जाए। क्योंकि वर्तमान के जो सांसद हेमंत गोडसे हैं उन्होंने विकास कार्यों में कितना कुछ काम किया है और यहाँ की जनता उन्हें कितना नंबर देती है। सर, सबसे पहला सवाल, यहाँ के जो वर्तमान सांसद है कैसे काम करते हैं? जी, उनका काम तो देखने में नहीं आया सिटी में, जितना बाहर उन्होंने काम किया है। जिस काम की ज़रूरत उनको सिटी में करनी थी, ये पंचवटी एरिया में, उतना काम उन्होंने पंचवटी एरिया में किया नहीं। 10 सालों में उनकी सिर्फ एक चक्कर हुई थी, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कालाराम मंदिर आए थे, बस वही वो कालाराम मंदिर आकर गए, इसके बाद में कभी नहीं आया। तो 10 वर्षों में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ, मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ। उन्हें कितना नंबर देते हैं, 10 में से कितना नंबर देंगे? 6 नंबर। सर, क्या कहेंगे? सिटी में उन्हें विकास करना चाहिए था। जो पब्लिक आज सिटी में घूमती है उनको जो तकलीफ होती है उन्हें वो ध्यान में रखना चाहिए था। उन्हें एक बार फिर टिकट मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, वो दिक्कत नहीं, लेकिन उन्होंने अगर सिटी का कुछ प्रोग्रेस किया तो अच्छी बात है। अगर करेंगे तो कुछ मतलब नहीं ना कोई बात का। नासिक का रिकॉर्ड रहा है कि एक बार के बाद दोबारा किसी को सांसद नहीं बनाती, लेकिन नासिक की जनता ने उनके काम के ऊपर डिपेंड है। बराबर है, काम उनका जो काम है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। कितना नंबर देंगे? नहीं जाएंगे, मैं भी जाऊंगा तो मैं सोच के करूंगा ना किसको देना किसको नहीं। इस बार उनको टिकट मिलना चाहिए ऐसा उम्मीद करते हैं? भगवान की दया से मिल गया तो अच्छी बात है। आप जनता जनार्दन क्या बोलती है? जनता जनार्दन बोल रही है हमको भी नया चाहिए, कुछ भी अच्छा चाहिए, मतलब बदलाव चाहिए, जो भी है लेकिन अच्छा चाहिए, बिल्कुल बदलाव चाहिए। सर, आज तक जो सिटी में जो नरेंद्र मोदी आके गए, जो उनकी एंट्री हुई थी नरेंद्र मोदी की, तो उस टाइम जो हमारा नासिक ऐसा लग रहा था कि कोई नासिक में कोई नया नासिक लग रहा था हमें, और हर जगह पे राम जी की फोटो, शिव जी के फोटो, और नासिक नगरी ऐसी लग रही थी जैसे कि काशी, बनारस, अयोध्या में आए आप। पर ये आज का नासिक, जैसे नरेंद्र मोदी यहाँ से चले गए वापस, नासिक का जो प्रतिज्ञा है वही नासिक की प्रतिज्ञा है, बाकी कुछ नहीं। सांसद हेमंत गोडसे, उन्होंने कुछ काम किया कि नहीं? 10 गोडसे तो एक आदमी है, कितना जगह पे ध्यान देगा वो? हेमंत गोडसे तो बेचारा हर जगह पे जाता है, जिधर उनको बुलाए उधर जाता है। उनको कालाराम बुलाए कालाराम आते, त्र्यंबकेश्वर बुलाए त्र्यंबकेश्वर आते, दिल्ली बुलाए दिल्ली आते। पर जो उनकी हमारी जो इच्छा है कि अभी जो कालाराम मंदिर है, कालाराम मंदिर के जो आजू बाजू में जो आप ये छोटे छोटे दुकानें देख रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा डेवलप होना चाहिए। जो नासिक के स्थानिक लोग हैं उनके लिए कुछ होना चाहिए। जो भी यात्री आता है इधर, जो भी आता है गोदावरी, कालाराम मंदिर, ये जो नासिक का प्रसिद्ध क्षेत्र, नासिक क्षेत्र जो माना गया है, ये नासिक क्षेत्र जो है, ये नासिक क्षेत्र एक पावन भूमि है, जो ये राम जी की भूमि है, राम जी की भूमि है। जो यात्री आते हैं तो यात्री सबसे पहले आते हैं और उनके मुंह से क्या निकलता है कि आपकी नासिक सिटी डेवलप नहीं है, इसको आप डेवलप करें। तो जो भी आता है नया, वो 5 साल रहता है, 10 साल रहता है, 2 बार आता है, 3 बार आता है, वापस चला जाता है, पर नासिक का कुछ विकास ही नहीं हो रहा है। तो हमारा कहना है, सब नासिक के नागरिक है उनका कहना है कि नासिक का कुछ विकास होना चाहिए। जो कालाराम मंदिर है, जो कालाराम मंदिर के बाहर आज धूप है, धूप में जो यात्री आते हैं उनको पाँव जलता है उनका, तो उनके लिए कुछ होना चाहिए, उनके लिए छाव होनी चाहिए, बंदोबस्त होना चाहिए। हमारी आपसे कुछ
कितना नंबर उन्हें देते हैं? 10 में से हम कितना देंगे? 5 ही देंगे, आधे में आधा। मतलब टिकट उन्हें नहीं मिलना चाहिए, कोई नया आना चाहिए, नया बदलाव चाहिए हमारे नासिक में। जो नया आएगा तो नासिक का विकास करेगा। सांसद को पास करते हैं या फेल करते हैं? नहीं, अभी तो पास हुआ तो अच्छा ही है, पर हमारा कहना क्या है, तो दिल नहीं करता है, दिल तो नहीं करता है क्योंकि। सर क्या कहेंगे, वर्तमान सांसद ने क्या विकास किया है, उन्हें कितना नंबर देंगे, किस तरह के? नासिक एक मतलब एक पिलग्रिम प्लेस होने है, तो उस हिसाब से जिस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए उस तरीके से तो इस संसद ने तो नहीं की है। जिस तरह पब्लिक एक्सपेक्ट करती है उस तरह से तो अभी तक तो उस हिसाब से जितनी डेवलपमेंट चाहिए, रोड चाहिए, उसके बाद जो यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं। जनता पार्टी ने इतिहास बनाकर दिया कि उन्हें दोबारा सांसद बना दिया। अब दोबारा बनाने के बाद भी अगर विकास नहीं होता है तो क्या लगता है, इस बार उन्हें पास करेंगे या फेल करेंगे? मेरे हिसाब से तो वो मतलब जो लायबिलिटी देख के, उनका काम देख के ही जनता कुछ तो कर सकती है। मतलब फेल करते या पास करते, मैं पूछना चाहता हूं। अभी तो जनता जनार्दन है, उसको कौन क्या। सर क्या कहेंगे, 10 वर्षों का रिकॉर्ड उनका। इस बार तो मिलना चाहिए उनको भी टिकट, लेकिन 3 बार हो जाएगा। नासिक की जनता तो 2 बार किसी को देती नहीं। अभी कुछ भरोसा नहीं, काम अच्छा किया है तो उनको ही वोट देंगी, नहीं किया तो जनता के। आपको क्या लगता है, आपकी जनता क्या कहती है? तो मेरे हिसाब से तो मिलना चाहिए उनको टिकट। हाँ मिलना चाहिए, जितवा देंगे। हाँ जितवा देंगे, नासिक की जनता एक बार जिताना। सर क्या कहेंगे, हेमंत गोडसे जी ने 10 वर्षों का क्या रिकॉर्ड है, क्या काम किया है इस बूते पर, क्या उन्हें एक बार फिर से टिकट मिलना चाहिए? और टिकट मिलना चाहिए तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थन में आती है? नासिक जिले में कुंभ मेला भरता है 12 साल में से, तो जो प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेंट्रल के फंड से हुआ है, तो अभी भी कुछ काम बाकी है डेवलपमेंट का। हेमंत गोडसे दो बार इधर चुन के आए, नासिक की हिस्ट्री है, इतिहास है कि एक बार चुन के आने वाला सांसद दोबारा नहीं आता है, लेकिन यहाँ बीजेपी का काम अच्छा है नासिक में जिले में, इसलिए वो दोबारा चुन के आए। अभी यहाँ अलायंस 3 हो गए हैं, शिवसेना सिंधेगढ़, NCP अजीत पवारगढ़ और बीजेपी, तो हमारी राय है कि बीजेपी को 8 टिकट मिलना चाहिए, बीजेपी कैंडिडेट को। तो बीजेपी को टिकट मिलना चाहिए, सर क्या कहेंगे? जी जरूरी ही बीजेपी को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि ये नासिक जो है शुरू से ही बीजेपी का गढ़ रहा है। ठीक है, बीच में 2 साल उनको टिकट दिया था, लेकिन 2 साल जो उन्होंने टर्म पूरा किया है वो पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के श्रम पे ही उन्होंने उनको जीता है। आज नासिक शहर के जो नासिक का जो लोकसभा का सीट है, 5 आमदार नासिक के हैं, यहाँ पे हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी को ही टिकट मिलना चाहिए ये, जिससे ये NDA का जो सीट है वो अच्छी तरह से काम से कर सके। 2 बार उनको भारतीय जनता पार्टी ने जितवा दिया है, तभी नया चेहरे को चांस मिलना चाहिए, और वो भी भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। 10 में से कितना नंबर देते हैं? 10 में से हम हेमंत गोडसे जी को 7 नंबर देंगे। काम उन्होंने किया है, किया नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन बदलाव चाहिए। हाँ बदलाव तो जरूरी हो, बदलाव तो जरूरी है, लेकिन जिस हिसाब से जिस स्पीड से होना काम होना चाहिए था वो स्पीड से काम नहीं हुआ है। अभी ये जो द्वारका से लेके नासिर रोड का ब्रिज का सैंक्शन हो गए 5 साल हो गए, उसको शुरुआत में 500 करोड़ रुपया भी नितिन करके जी ने सैंक्शन कर दिया था, लेकिन आगे का काम तो उनको करना चाहिए था, वो तो हुआ नहीं। ऐसे भी बहुत सारे प्रश्न है तो हुए नहीं हो। तो देखिए ये बताना बेहद ज़रूरी होगा कि यहाँ के जो वर्तमान सांसद है हेमंत गोडसे, जिन्हें 10 साल का मौका दिया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का समर्थन रहा है, समर्थन इसलिए भी रहा है क्योंकि यहाँ के जो विधायक है वो 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो ऐसे में ये जाहिर तौर पर हेमंत गोडसे की जो छाया चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चल रही है, कर कमलों पर चल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे तब हेमंत गोडसे यहाँ दिखाई दिए थे, उसके बाद नहीं दिखाई दिए। कुछ काम ऐसे भी है जो उन्होंने नहीं किया है, इस बात की भी नाराजगी है। हालांकि 10 में से कुछ लोग 7 नंबर देते हैं, कुछ लोग 5 नंबर देते हैं, ऐसे में जनता का मूड बदलने वाला है। क्या हेमंत गोडसे को इस बार मौका मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन ज़रूर लोग यहाँ चाहते हैं कि एक बार फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि देश बदलाव देखता है, देश विकास देखता है। नया युवक हमारे साथ है, एकदम युवाओं के टिकट किसको मिले, पर युवा को रोजगारी काम मिलना चाहिए। युवा झंडे लेकर किसके भी पीछे खड़े होते हैं पर उनको काम नहीं मिलता है।
वो बदलाव आना चाहिए। टिकट किसको मिलो, बीजेपी को मिलो, शिवसेना को मिलो, किसको? राष्ट्रवादी को। युवा को काम होना मांगता है। सांसद कौन है यहाँ का? सांसद हेमंत गोडसे। 10 साल में उन्होंने आते उनका काम करते है, पर उनका ही काम चुका है कि रोज पब्लिक रहती है, उनको ना काम मिलना चाहिए। बदलना चाहते? बदल नहीं, राजा वाजे बदल चुके हैं। अभी राजा वाजे आएंगे, शिवसेना के राजा वाजे वापिस भगवा झंडा लहराएंगे, मशाल लेके आएंगे। तो हेमंत गोडसे को फेल करते हैं? आराम से फेल करते हो। फेल हेमंत गोडसे ने काम किया 10 सालों में? मालूम नहीं क्या बदलाव होना चाहिए देश में? नहीं मालूम नहीं मेरे। बदलाव करना चाहते हैं? नहीं नहीं। तो देश में बदलाव, सर देश में बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए। गोडसे जाना चाहिए? जाना चाहिए, राजा बाबा जी आने चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के नए कैंडिडेट सर, बोले सर देश में बदलाव होना चाहिए? होने चाहिए ना। सांसद जी ने क्या काम किया है? थोड़ा बहुत किया है। तो पूरा क्यों नहीं किया? 10 साल मौका दिया, तो इतिहास ही बदल दिया कि 2 बार उन्हें सांसद बना दिया। बनाएंगे ना, वापस बनाएंगे। वापस भगवा जाने वाला है। भगवान आने वाला है? भगवान मतलब कौन आने वाला है? हेमंत गोडसे से आने वाले हैं। आने वाले उन्हीं को मिलता है? उनको ही मिलेंगे। 10 नंबर से कितना नंबर उनको देंगे? यानी 10 नंबर अगर दिया जाए आपको तो उनको कितना नंबर आप देंगे? उनको 9 नंबर देंगे। 9 नंबर? हाँ। तो मतलब सांसद पास या फिर? पास। आप पास करते हैं? पास। उसका जरिया क्या है, कारण क्या है? कारण तो अच्छा ही होगा। बदलाव नहीं चाहते? बदलाव चाहिए सर जी हमारे को भी। लेकिन वो दूसरा कैंडिडेट को अगर टिकट मिलता है तो? नहीं मिलेंगे ना। तो देखो कुछ लोग बदलाव चाहते हैं, कुछ लोग बदलाव नहीं चाहते हैं। अच्छा देश में बदलाव चाहिए कि नहीं? बदलाव तो होना चाहिए ना। इतिहास यहाँ का रहा कि 10 साल कोई भी सांसद रहा नहीं, हेमंत गोडसे के यहाँ की जनता ने 10 साल मौका दिया। कुछ लोग नाराज है कि विकास नहीं हुआ इसलिए बदलना चाहिए, आपका क्या कहना है? आ जाएंगे वो, आ जाएंगे, हो जाएगा विकास, हो जाएगा। इस बार होगा? होगा होगा पक्का। मोदी जी का हाथ है इसलिए? हाँ बिल्कुल। सर हम देश में बदलाव नहीं चाहते, देश में एनडीए की सरकार चाहिए, मोदी जी की सरकार चाहिए, अगले 25-30 साल तक मोदी जी की सरकार चाहिए, क्योंकि सेंट्रल का जो विषय रहता है वो सिर्फ भारत देश का विषय नहीं रहता कभी, ये तो पूरा दुनिया का सब्जेक्ट रहता है ये। तो इसका जो विदेश नीति है, जो सब जो नीतियाँ हैं वो भारत के लाभ में या भारत की सुरक्षा की दृष्टि से जो होने चाहिए वो पिछले 10 साल से एनडीए सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने लिए है। तो इसलिए देश में बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं, देश में बदलाव मोदी जी की सरकार चाहिए। क्या कहेंगे इस बार मोदी सरकार ने नारा दिया 400 के पार? 400 पार? 400 पार हो जाएंगे हम 2029 की तैयारी करें, 2025 हो गया हमारे हिसाब से। पार हो गया है हम। दो गारंटी में सबसे अच्छी गारंटी क्या लगती है आपको? किस चीज़ की गारंटी चाहिए आपको बताओ? आप रोजगार, अभी एक युवा ने कहा कि रोजगार का, एनडीए की सरकार ने सिर्फ रोजगार नहीं निर्माण की है, जिस वजह से रोजगार निर्माण होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया है। स्टार्टअप इंडिया क्या है आज? स्टार्टअप इंडिया के हिसाब से एक आदमी को अगर वो किसी चीज़ का बिजनेस करता है तो वो बिजनेस जब स्टार्ट करता है तो उस हिसाब से उसके साथ वो 4-5 लोग भी उसके साथ वो काम, उनको काम मिलता है तो वो 5 लोगों को रोजगार तो मिल गया ना। अगर एक आदमी स्टार्टअप के हिसाब से खड़ा हो जाता है तो कम से कम 5, 10, 15 जिस हिसाब से उसका व्यवसाय है उस हिसाब से उसको रोजगार भी उनको लोगों को मिलता है। तो मेरा सवाल खाली हेमंत गोडसे को पास करेंगे या फेल करेंगे? हेमंत गोडसे तो वैसे पास है लेकिन बदलाव चाहिए। अच्छा बदलाव चाहिए, यानी कि हेमंत गोडसे इस बार जो है सस्पेंस में है क्योंकि जो काम होना चाहिए उन्होंने नहीं किया है, जनता चाहती है एक बार बदलाव हो जाए। क्या कहेंगे आपके सांसद हेमंत गोडसे आते हैं? हाँ आते हैं। विकास काम किया? हाँ आते हैं, इधर देखते हैं, पूछते हैं किसी को भी क्या चल रहा है कैसा ऐसा। मतलब इस बार उन्हें टिकट मिलना चाहिए? हाँ मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? वो अभी वो 2 बार आ गए ना तो अभी भी आना चाहिए ऐसा। नासिक का ऐसा इतिहास रहा है कि जो 2 बार होता तीसरी बार नहीं होता? नहीं ऐसा आए तो अच्छा लगेगा ऐसा। बदलाव नहीं चाहिए आपको? नहीं आए, वो इधर के आना चाहिए। वो कितना नंबर देती हैं आप उन्हें? मैं 2 नंबर देंगे। ओके सांसद पास या फेल? पास। जय श्री राम। यहाँ घूमने आए? हाँ घूमने आए। कैसा लगा सर नासिक सर? बहुत अच्छा है। यहाँ के सांसद हेमंत गोडसे 2 बार सांसद लगातार हुए, बदलाव की जरूरत है कि नहीं चलेगा? अभी हम तो टूरिस्ट है, फिर भी बदलाव चाहिए आपको? ठीक है थोड़ा बहुत बदलाव चाहिए थोड़ा बहुत बदल होना चाहिए। हाँ
सांसद बदलना चाहिए कि नहीं? यस, सांसद बदलना चाहिए। देश में सब बदलाव चाहते हैं, सबको बदलाव चाहिए। आप अपने सांसद को देखिए? नहीं। क्यों नहीं देखा? आपको देखना चाहिए क्योंकि वो आपके सांसद हैं। देखेंगे फिर। इस बार उनको टिकट मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए टिकट। उनको क्यों जितवाना चाहती भाई, दूसरा भी कोई? उन्होंने भी कुछ विकास किया है ना, इसीलिए नंबर उन्हें देती है। एक नंबर देती है उनको। सांसद पास या फिर? पास है। हेमंत गोडसे को कुछ लोग पास भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। चाचा से हम पूछेंगे, चाचा यहाँ के सांसद कौन है? हेमंत खासदार, हेमंत गोडसे। काम किया उन्होंने? कुछ काम नहीं किया। पास करते हैं, फेल? फेल कर दिया। तो ऐसी भी तस्वीरें यहाँ हैं जो कुछ लोग फेल करते हैं। सर, आप घूमने आए नासिक? कैसा लगा नासिक सर? अच्छा है सर। डेवलपमेंट हुआ नासिक में? हाँ, लास्ट टाइम आया तो अभी थोड़ा डेवलपमेंट ज़्यादा। और ज़रूरत है बदलने की? हाँ, और थोड़ा अच्छा कर दिया तो अच्छा है। यहाँ के सांसद है हेमंत गोडसे, दो 10 साल से यहाँ के सांसद है, जबकि नासिक की जनता हर साल सांसद बदल देती है, तो इस बार बदलाव चाहिए? वो देखना, इधर से जाना है, कैसे डिसाइड करना मालूम नहीं है ना। अच्छा, 10 नंबर से कितने नंबर उनको देंगे? वो 10 साल से करेगा तो 5-6 5-6 नंबर दे देते हैं। कौन है सांसद यहाँ का? काला राम मंदिर का संस्थान हेमंत गोडसे यहाँ का खासदार है। हाँ, उन्होंने काम किया है देश में? हाँ, सबने थोड़ा थोड़ा किया है सबने। उन्हें पास कर दिया? फिर पास कर दिया। फेल नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। काम किया उन्होंने? किया है, हमको इधर इतना एरिया में मालूम है, आगे का नहीं मालूम। देखिए, जहाँ तक बात है काम का, तो उन्होंने काम किया है इसलिए उन्हें पास करती है। आपके पास आखिर में आ गया, हेमंत गोडसे को पास करती है फिर? मोदी क्या विकास किया है? विकास किया है। सब टेंपल ओनली परफेक्ट, सब क्लीन। यहाँ के जो खासदार है हेमंत गोडसे, उनको कितना नंबर देते हैं आप? 100% 100% पास करते हैं या फेल करते हैं? नहीं, पास। पास है? हाँ, उनका थे। एक बार और सांसद चाहिए? वो चाहिए, क्यों नहीं? बदलाव नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। देखिए, बदलाव नहीं चाहिए, वही सांसद चाहिए कुछ लोगों का। मैंने आपको ना बोला, पास किया है हेमंत गोडसे ने, पास किया है। ओके ओके, ठीक है सर, क्या कहेंगे? बदलाव होना चाहिए, जैसे मंदिरों की सिक्योरिटी हुआ, पानी का सवाल हुआ, ये पैसेंजर आता है यहाँ पे, दिक्कत आता है थोड़ा, ये दिक्कत बदलना चाहिए, जैसे ऑटो का पार्किंग हुआ और कुछ जगह हुआ, इधर ध्यान देना चाहिए। नासिक की जनता ने 10 साल दिया, इसकी वजह से 10 साल दिया ना, अभी आगे देगा नहीं देगा ये मैं नहीं बोल सकता। यहाँ से आप उन्हें पास करते हैं या फेल करते हैं? हेमंत गोडसे जी को आना चाहिए, आना चाहिए, काम दिखता है। टिकट नहीं मिला तो हमारे हाथ में तो कुछ नहीं, सही बात है। आप अपना वोट आप हाँ दे सकते ना, उनको वोट देंगे कि नहीं? देंगे ना, क्यों नहीं देंगे? बीजेपी का कैंडिडेट होगा तो? हाँ नहीं, हमारा इधर का आमदार यही ना, बीजेपी का ही खासदार। हेमंत गोडसे जी को मतलब बदलाव नहीं चाहिए सर। हमें बेंगलुरु वाला है, कर्नाटका। आप घूमने आए? हाँ, या कैसा लगा नासिक सर? अच्छा है, गर्म बहुत कम है, गर्मी बहुत। डेवलपमेंट हुआ इधर? क्या डेवलपमेंट, परवा नहीं हमारा, हमना तो आइडिया नहीं है। हमेशा आते हैं घूमने के लिए? कभी घूमने के अभी नया आके हैं। अच्छा, पहली बार है सर? अच्छा। घूमने पहली बार आए? हाँ जी। अच्छा लग रहा है सर? अच्छा नहीं, डेवलपमेंट हुआ है? क्या भी नहीं डेवलपमेंट है। देखिए, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, यानी कि लोगों को विकास चाहिए, और जो विकास का काम करेगा यहाँ की जनता उसे चुन कर देगी। लेकिन हेमंत गोडसे के साथ एक इतिहास रहा है, नासिक की जनता ऐसे लोगों को चुन कर देती है जो लगातार काम करते हैं, ऐसे में 10 वर्षों तक उन्हें सांसद बनाया गया। लेकिन कुछ जनता यहाँ की कामों से नाराज है, कुछ जनता चाहती है बदलाव होना चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी आने के बाद नासिक शहर बदलने वाला है, ऐसी लोगों को उम्मीद है।